कोरोना महामारी के निवारण के लिए ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में एकादश अतिरुद्र अभिषेकात्मक महामृत्युंजय अनुष्ठान शुरू हुआ। मंदिर प्रबंध समिति द्वारा आयोजित दिव्य अनुष्ठान में 11 दिन तक 76 ब्राह्मण रुद्र पाठ करेंगे। 19 अप्रैल को अनुष्ठान की पूर्ण आहुति पर महायज्ञ होगा। कोरोना के भयावह स्वरूप के सामने आने के बाद बाबा महाकाल से प्रार्थना की जा रही है। विश्व कल्याण के लिए अतिरुद्र अनुष्ठान में महाकाल मंदिर के पुजारी पुरोहित काल के अधिपति देव महाकाल से कोरोना संक्रमण समाप्त करने की प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन में 11 लघु रुद्र किए जाएंगे। 11 लघु रुद्र करने पर एक महारुद्र अनुष्ठान पूर्ण होता है। वहीं 11 महारुद्र अनुष्ठान पूर्ण होने पर अतिरुद्र अनुष्ठान की पूर्ण आहुति होती है। इस प्रकार 11 दिन तक एक एक महारुद्र होगा। 11वें दिन अतिरुद्र की पूर्ण आहुति पर यज्ञ किया जाएगा। महाकाल के आंगन में व्याधि निवारण के लिए वेद मंत्रों के साथ जड़ी बूटियों की आहुति दी जा रही है। अनुष्ठान के दौरान भगवान महाकाल की प्रसन्नता के लिए सहस्त्र कमल बिल्व पत्र गुलाब आदि अर्पित किए जा रहे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।